विक्टर। Hi guys, welcome to my new video. I hope you all are doing good today. तो बस दिवाली आने वाली है और हमारी मेरे और पापा के वैक्सीनेशन के डेज भी पूरे हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन का सेकंड डोज लेने के लिए। पहले तो हम सोच रहे थे कि मम्मी, मैं और पापा तीनों ही आ जाते हैं, बट फिर विंटर को घर पे अकेला छोड़ने का पॉइंट नहीं बनता। मम्मी का वैक्सीनेशन भी हमारे एक दो दिन बाद ही हुआ था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हमारी डेट आ चुकी है और मम्मी की डेट अभी नहीं आई है। और थोड़ा नंबर का आगे पीछे हो गया था, भाई ने पापा का बुक किया था और पापा ने मेरा बुक किया था, बट वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट हो गया, तो वही रेनबो हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। और पहले तो मैं जाके चेक किया कि भैया लग भी रहेगी नहीं, तो एकदम खाली लग रहा था बाहर से, तो आप देख सकते हैं। जैसे अंदर गए तो उनके काउंटर्स ओपन थे और वैक्सीनेशन चालू था, लेकिन बिल्कुल खाली था क्योंकि काफ़ी लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन तो लग ही चुका है। तो हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, हम सीधा गए और इंजेक्शन लगवाया। पापा को लग रहा है हम लोगों ने गलती की एक्चुअली, ये पापा को भी नीचे करना पड़ा ना शोल्डर, फुल स्लीव्स की नहीं पहन के आनी चाहिए थी, तो मैं भी शर्ट पहन के आ गया था फुल स्लीव्स की। अच्छा हुआ मैंने नीचे हाफ स्लीव्स की हुडी पहनी हुई थी, तो लग गई। चलो वैक्सीनेशन का बार बार दिमाग में आ रहा था, रह रहा, अभी वो भी एक टास्क कंप्लीट हो गया और हम घर पहुंच चुके हैं। हर बारी में घंटी बजाना भूल जाता हूँ, अंदर आके हम खटकाने लगते हैं। अच्छा, मेरे तो ऐसे धूप पड़ रही है उस पे, बोना हो रहा है। तो पूछ लिया सर्टिफिकेट का? सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलता है। हां तो वो निकाल के रख ले। व्हाट यू वांट? नमस्ते। उनको नमस्ते। ये विंटर ऐसे बैठा रहता है, मैं काम कर रहा होता हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे बैठा रहता है, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ अपने कान सीधे कर लेता है। और काफ़ी दिनों से जो हमारा लाइट का इशू चल रहा था ना, ट्रांसफार्मर फूक गया था, जल गया था, तो उस पर भी काफ़ी दिनों से काम चालू था। अभी आप परमानेंट इसको सॉल्यूशन कब निकालोगे? ट्रांसफार्मर तो आ गया ना आपका? ट्रांसफार्मर आएगा जब। हैं? तो कल जो ला के रखा था वो क्या था वहाँ पे एक और? अभी बस ये लगने वाला है नया ट्रांसफार्मर यहाँ पे। करो यार ऑन इसको फटाफट, शाबाश। एक घंटा बोला था आपने, एक घंटे से ज़्यादा हो गया, पर चलो कोई बात नहीं। हाँ मैसेज किसी को मिल जाए लोगों, तो फिर दोनों कर दिए, शाबाश। ये ले जाओगे फिर ये? तो ये हमारा नया ट्रांसफार्मर भी लग चुका है, सब मीटर वीटर सब नए लग गए हैं और बड़ा अच्छा सा पेंट भी कर दिया उन्होंने ऑरेंज ऑरेंज। अब लाइट का इशू एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा होपफुली। लाइट जला लो मम्मा। पूरा आस पास से ऊपर से निकल जाओ। इंटर गेट डाउन, गेट डाउन, चलो बस गेट डाउन, गेट डाउन, बस 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 आप नीचे बैठ जाएंगे, चलो चलिए चले जाए। वो दूसरी गाड़ी से सिमर भाभी, राहुल भैया और हरिदा के आने का वेट कर रहे विंटर। मतलब वो मांग रहा है कि मुझे भी दिखा लो। आइसक्रीम भी दे पापा ने आज, आइसक्रीम मांगो मांगो मांगो, क्या मांग रहे हो? मांगो आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम। बिट्टू क्या खाएगा? आइसक्रीम खानी आपने? ओ बाबा।
आइसक्रीम समझ में आया उसको। इसका बड़ा है आइसक्रीम, बड़ा है। दो-दो तीन-तीन महीने में देते हैं ना पापा? हाँ, देंगे देंगे। इसको दही दे दो मम्मा। विंटर सैल्यूट कर रहा है। विंटर गेट इन, अंदर आ, पहले गेट बंद कर लो। आ जाओ जी, आ जाओ। नमस्ते अंकल, क्या हाल चाल है? हेलो बिंदु, हाय। इतनी जंप्स क्या हाल है अंकल? पटाखे बाज गए ना बढ़िया वो चला गया। कैसे डरोगे? तो कैसे होगा? पटाखे बज रहे हो। पटाखे से डरता नहीं वैसे। कुछ कह भी रहा है। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं इस समय। उसमें इनफ शुगर मिल जाती है। तो हम सब लोग ने डिनर में मलाई चाप और अफगानी चाप खाई रुमाली रोटी के साथ, हरी चटनी और प्याज, और मज़ा आ गया सबको भाई। बढ़िया है ना? हम लोग की जो हर 10 दिन में पार्टी होती है, वही पार्टी हमने आज भी कर ली। हाँ जी, नहीं नहीं खाया नहीं। हैप्पी दिवाली। चल भाई, ब्रो, सी यू। क्या सरप्राइज है? हाँ, सरप्राइज आपको बताएंगे। से बाय बाय टू साचू। बाय विंटू। से बाय बाय टू साचू। यू डोंट हैव टू वेयर द जैकेट, वी आर गोइंग इन द कार। बाहर आ गया बाहर है। ये रिंदा अपनी जैकेट की चेन बंद करने की कोशिश कर रही है। हैव अ सेफ दिवाली, दिए जलाओ, रंगोलियां बनाओ। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।